हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एन की बावलिया, प्राचार्य राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर राजस्थान। आपको मालूम है COVID-19 के दौरान हम महाविद्यालय से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इनको हमारे महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और इवन महाविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर जो लिंक दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, वहाँ पर भी हम अपलोड कर रहे हैं। आप इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हमारे हर एक ई कंटेंट से जुड़ने के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से आप जुड़े रहें। जैसा कि आपको मालूम है, मैं MSc फाइनल ईयर बॉटनी का 9th पेपर ले रहा हूँ और उस 9th पेपर के तहत आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वह टॉपिक है मेजरिंग एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरिंग मीन्स मापन और वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस या महत्व, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से मापा जाता है या बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व है या क्या वैल्यू है या क्या उपयोगिता है। मेजरिंग की बात करें या वैल्यू की बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी को मापन करने के लिए कई मैथमेटिकल मेथड्स को अपनाया जा सकता है और उन मैथमेटिकल मेथड्स के थ्रू इस बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है। इस मेजरमेंट के तहत जो किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर स्पीशीज पाई जाती हैं, उन स्पीशीज की संख्या को काउंट करते हुए उनकी गणना करके उनका मेजरमेंट किया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। इस मेजरमेंट के तहत मेजरिंग के बेसिस पर बायोडाइवर्सिटी के 3 ग्रुप्स बनते हैं, जिसको अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से, बीटा डाइवर्सिटी के नाम से एंड गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी के तहत वे स्पीशीज आती हैं जो सिर्फ स्पीशीज की डाइवर्सिटी को इंडिकेट करती हैं। इसके अंतर्गत स्पीशीज की नंबर को ज्ञात किया जाता है विद इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर एक स्पीशीज की कितनी संख्या है उनको ज्ञात करके उससे की डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ज्ञात की जा सकती है, जिसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ये डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर रहने वाली स्पीशीज के बीच में किस प्रकार का इंट्रैक्शन है, कोरिलेशन है इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। आप जानते हैं जो भी जैविक कारक होते हैं या अजैविक कारक होते हैं उनके बीच में किस प्रकार से इन स्पीशीज का इंट्रैक्शन है, और उस इंट्रैक्शन के बेसिस पर इसे ज्ञात किया जा सकता है अल्फा डाइवर्सिटी को। दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी वह डाइवर्सिटी है जो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज विद रेफरेंस टू एनवायरमेंट, पर्टिकुलर एनवायरमेंट के तहत जो स्पीशीज पाई जाती हैं उन स्पीशीज के कंपोजिशन के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इससे आने वाले परिवर्तन को ही बीटा डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। थर्ड है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी है जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है, ये लार्जर एरिया पर अप्लाई होती है उस एरिया के अंदर जिसके अंतर्गत अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर इस गामा डाइवर्सिटी का मेजरमेंट किया जाता है। इस प्रकार से मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तहत 3 प्रकार की अल्फा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं। आगे हम चलते हैं वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या वैल्यू है या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या महत्व है। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू की हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी न सिर्फ इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल है, ये इवन सोशियो एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यूएबल है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसको हम अलग अलग हेड्स के अंदर जान सकते हैं कि कौन कौन से हेड्स में ये बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएबल है। जैसे हम बात करें सबसे पहले एज एनवायरमेंटल वैल्यू, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ये ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जिसके तहत हम अनवरत सांस लेते हैं या पादप प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया करते रहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया के अंदर हम नेचुरल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। उसी के दूसरी ओर जो प्लांट्स होते हैं वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसे यूज करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये वाइस वर्सा मेथड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता रहता है, और यदि बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता रहता है तो एनवायरमेंट के अंदर बैलेंस बना रहता है, और इसके इम्बैलेंस होने पर बहुत सारे फैक्टर्स सामने आते हैं। इसी के साथ साथ में हम जैसे बायो जियो केमिकल साइक्लिंग देखते हैं, जिसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो बायो जियो केमिकल साइक्लिंग के थ्रू सॉइल से प्लांट्स के पास जाते हैं, प्लांट्स से एनिमल्स के पास में आते हैं और वापस उनके मरने से वापस वो सोइल के अंदर चलते जाते हैं। ये एक बायो जियो केमिकल साइक्लिंग है जो मिनरल्स के रूप में होता है, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, या जो भी मिनरल्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बायो जियो केमिकल साइक्लिंग के थ्रू सॉइल से हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर या एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर गुजरते हैं और वापस ज़मीन के अंदर लौट के आ जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल वैल्यू। इसी के साथ साथ में जैसे वाटर साइकिल है, जिसमें रेन वाटर है, पृथ्वी के ऊपर जो वर्षा आती है, जहाँ पर जितना ज़्यादा प्लांटेशन होता है उसी के अनुरूप वहाँ पर रेनफॉल होता है। तो इस बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेनफॉल होना या सॉइल इरोजन होना, ये दोनों ही अच्छा रहता है। जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर सॉइल का इरोजन नहीं होगा, प्लांट्स जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर सॉइल का इरोजन ज़्यादा होगा। सॉइल इरोजन ड्यू टू एयर, ड्यू टू वाटर, दोनों के थ्रू होता है। और यदि इन सब के अंदर किसी प्रकार का इम्बैलेंस होता है तो पृथ्वी पर कई प्रकार की फिनोमिनाज देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत कई टॉक्सिक गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं और उनके कारण से हमारी ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो जाता है, और इसके कारण से जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज हो रहा है या बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और जो आने वाले टाइम पर हम खतरा देख रहे हैं, जो पोलर रीजन्स के अंदर आइस है या बर्फ है, वो जो इस समय कम टेम्परेचर है जमी हुई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के तहत टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते जाने से वो जो बर्फ है पानी के अंदर पिघल जाती है। इस कारण से पोलर के अंदर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल करके नीचे आ रही है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एनवायरमेंटल, इसलिए एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएबल है। दूसरा है एज कंजप्टिव वैल्यू। कंजप्टिव मीन्स उपयोगिता के दृष्टि से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए वैल्यूएबल है। बायोडाइवर्सिटी से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जिसमें फूड है, फ्यूल है, फर्नीचर है, फाइबर है या फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं। ये यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इवन जो समुद्र तट के ऊपर जो लोग बाग रहते हैं, जिसमें हम मछुआरे के नाम से जानते हैं, फिशरमैन के नाम से जानते हैं, वो उन्हीं समुद्री तटों पर जो भी जीव जंतु मिलते हैं, मछलियाँ, घोंगा या सीपी या केकड़ा या और दूसरे जो जानवर होते हैं, उनसे वो अपनी आजीविका चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और खान पान में उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन की, बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें, हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं और आज भी हम देखते हैं, कई बार कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन किस प्रकार से ग्रोथ करती है, ये हम ट्राइबल एरिया के अंदर देख सकते हैं, ट्राइब्स को देख सकते हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करके ही वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी कंजप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल है। इसी के साथ साथ में प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएबल है। प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि बहुत सारी हम जो क्रॉप्स बोते हैं, जिसमें गेहूं है, जो है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, जितने भी फसल हम बोते हैं, ये सारी की सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं जो हमें प्रोडक्शन देती हैं, खाद्यान्न देती हैं। इसी के साथ साथ में कई हम एनिमल्स को घर के अंदर
पालते हैं, गाय है, भैंस है, या और जो जानवर हैं, ऊंट हैं या घोड़े हैं, जो जानवर हैं जिनको हम हमारे किसी न किसी उपयोग के अंदर काम में लेते हैं, ये जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, ये एक्चुअली वाइल्ड ट्रेड्स ही थी और उन वाइल्ड ट्रेड्स को हमने हमारे हिसाब से यूटिलाइज कर लिया, डोमेस्टिकाइड कर लिया या कल्टीवेट कर लिया, जिसको हम यूज में लेते जा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा उद्योग भी सामने आ रहा है, जिसे हम देख सकते हैं आज डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध के रूप में हमारे सामने आ रहा है, मीट प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री फॉर्म जिसे मुर्गियों से अंडे हम प्राप्त करते हैं। इसी के साथ साथ में पिसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे इसी के एस्पेक्ट्स हैं जो पास्ट में या भूतकाल के अंदर जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे किसी न किसी कारण से ज़मीन के नीचे दब गए और आज हम उनको खोदते हैं तो उस जगह पर हमें ऑयल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, जो फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी यूजफुल है। इसी के साथ साथ में हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल से सेंस है कि इस बायोडाइवर्सिटी के तहत हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं जिनको हम रोज़मर्रा की जिंदगी के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर वर्शिप करते हैं या पूजा करते हैं या पालतू रूप में उन्हें यूज करते हैं। उस यूज के अंदर जैसे आप पीपल का पेड़ देखते हैं, बरगद का पेड़ देखते हैं, तुलसी का पेड़ देखते हैं, इनको हम पूजा के रूप में काम में लेते हैं और एक तरह से एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हैं ये प्लांट्स जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स हैं या बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको हम भगवान की सवारी के रूप में भी यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे उल्लू है या चूहा है या लॉयन है, आप जानते हैं उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी के रूप में यूज किया जाता है, चूहे को गणेश जी की सवारी के रूप में यूज किया जाता है, लॉयन को दुर्गा के रूप की सवारी के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोडाइवर्सिटी यूजफुल है। इसी के साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है, जो इस प्रोवर्ब पर डिपेंड है, लाइव एंड लेट अदर्स लाइव, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इसी सिद्धांत के ऊपर बायोडाइवर्सिटी टिकी हुई है। यदि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी सुंदरता के लिए भी जानी जाती है, इको टूरिज्म के लिए भी जानी जाती है, वाइल्ड सेंचुरीज के लिए भी जानी जाती है, नेशनल पार्क के लिए भी जानी जाती है, कोरल रीफ्स के लिए भी जानी जाती है, सफारीज के लिए भी जानी जाती है, माउंटेनिंग ईयर के अंदर ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है, दूसरे जो अच्छे कंट्री हैं जहाँ पर ब्यूटी है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, कन्या है, रवांडा है, इस प्रकार की जो कंट्री हैं वो ब्यूटी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन देशों को फॉरेन करेंसी भी प्राप्त होती है। इसलिए इस ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इको टूरिज्म, वाइल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इनका काफ़ी महत्व है, जिनके अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाग जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे एज ऑप्शनल वैल्यू के रूप में। ऑप्शनल वैल्यू की हम बात करें तो एट प्रेजेंट तक जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने करीबन 1.75 मिलियन स्पीसीज की डिस्कवरी कर ली है, खोज कर ली है, और इन इस खोज करने के साथ साथ में इन स्पीसीज को वैज्ञानिक दृष्टि से नाम भी दे दिया गया है और ये स्पीसीज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस हैं, ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचा करके रखना चाहिए। इस प्रकार से आज के इस लेसन के अंदर, एपिसोड के अंदर हमने मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का स्टडी की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज,
ई कंटेंट के लिए डॉक्टर एन के बावलिया से जुड़े रहें और अध्ययन का आनंद लें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।